अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने इंटरव्यू किया था बच्चों के ऊपर, तो इसी तरह आज हम एक और इंटरव्यू करेंगे पप्पू से। उसमें हम ये टॉपिक लेके आए हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का कितना इम्पोर्टेंस रोल होता है उनकी लाइफ में। तो आज फिर हम पप्पू को इन्वाइट किया, आज उनसे हम पूछेंगे कि वो हमें इस बारे में बताएंगे। पप्पू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नेक्स्ट वीक में आपके टॉपिक पे जाता हूँ। मियाँ बीवी का एक बहुत बड़ा मजबूत भी रिश्ता है, बड़ा नाजुक रिश्ता भी है। मजबूत इस तरह से है, ये दो खानदानों का मिलाप है। नाजुक इस तरह है, जरा सी बात पे बंदा तीन लफ्ज बोल दे तो बंदे का सारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें यह है कि खामंद के लिए जो उसकी बीवी है, उसके बड़ा एक कुरान में भी है, उसकी तस्कीन की जो जगह है तज़ीन अलिना से खुबोशावत, उसकी जो एक तस्कीन है, जो उसकी लजत है, जो उसका एक बोले जहाँ पर वो अपना दुखड़ा जिसको सुना सकता है, वो उसकी बीवी है। तो खामन को चाहिए कि अपनी बीवी को मुकाम दे, अपनी बीवी को इज्जत दे, अपनी बीवी को अहमियत दे, अपनी बीवी के साथ प्यार के साथ बात करे, अपनी बीवी को माशरे में एक उसका एक कलीदी रोल है, और उसको अपने बहन भाइयों के सामने उसके साथ मुस्कुरा करके बात करे। अच्छा, हमारे माशरे में यह है कि यार अब भाइयों के होते हुए या बहनों के होते हुए मैं बीवी से बात करते हुए मुझे शर्म आती है, उनके सामने बात तक नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे नबी अलैहिस्सलाम उम्मातुल मोमिनीन के साथ बैठ करके एक खाना खाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम उम्मातुल मोमिनीन के साथ बैठ करके उनके साथ खुश गप्पियाँ लगाते थे, उनकी बात सुनते थे, उन्हें टाइम देते थे। इसी तरह हमें भी अपने माशरे में बहन भाइयों को एक मकाम है, उनको इज्जत दें, लेकिन उनके सामने आप अपनी बीवी को भी एक मकाम दें, उसको भी एक इज्जत दें। एक इससे बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है, और इससे आप अपनी बीवी की मोहब्बत में उसका दिल जीतते हैं, और मोहब्बत उसके दिल में आपके लिए ज़्यादा आती है अगर आप अपनी बीवी को मकाम देते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उसको फोकियत देते हैं किसी भी बात में। दूसरा ये है, अगर मियाँ बीवी के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो खामंद को चाहिए और बीवी दोनों को चाहिए आपने लड़ाई झगड़े को किसी के साथ शेयर ना करें। आपने गिले शिकवे दोस्तों बीवी के गिले दोस्तों के साथ ना करें। खाम जो औरत है वो अपने खामंद के गिले शिकवे अपनी सहेलियों के साथ ना करें, क्योंकि इससे जो है एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको अपने सहेलियों के साथ भी ये बात नहीं शेयर करनी चाहिए। मियाँ बीवी की जो बात होती है वो अमानत होती है दोनों की। बीवी के लिए उसकी बात खावंद के अमानत है, खावंद के लिए बीवी की बात अमानत होती है। एक दूसरे की बात बार करने से अपने रिश्ते को ये फिर कमज़ोर करने के बराबर होता है। तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बता दी है। अब एक और मुझे बता दें कि मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ को कैसा रवैया रखना चाहिए अपने बच्चों के साथ? देखें, अगर बच्चों के सामने या बच्चों के साथ की बात यह है कि अगर मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ भी होता है तो उनको चाहिए कि अपने बच्चों के होते हुए आपस में लड़ाई झगड़ा शोर शराबा गालम गलोच न करें। इसलिए कि इसमें औलाद के ऊपर बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है, बच्चे जो है फिर जहनी तौर पर भी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, फिर वो परेशान भी होते हैं, और छोटी उम्र में बच्चों के लिए गुड साइन नहीं है फॉर द फ्यूचर। तो उसके लिए यही चाहिए कि पहले तो छोटी छोटी बातों को, मियाँ बीवी जैसा शुरू में कहा, एक नाजुक रिश्ता भी है, मजबूत भी है, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। और छोटी छोटी बात से लड़ने से जो है बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा असर आता है। बच्चे जो है तलीम में और फिर अमली मैदान में बच्चे रह जाते हैं, क्यों माँ बाप की बातों को बड़ा सीरियस लेते हैं। और दूसरा ये होता है फिर वो बच्चे एक साइड पर जब तरफा हो जाते हैं, या तो माँ की तरफ हो जाते हैं या फिर बाप की तरफ, तो उससे फिर औलाद की आगे चल करके एक तरफा होने में वालदैन की जिंदगी के ऊपर बड़ा असर आता है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि इसको इग्नोर किया जाए। ये आप बता दें कि हस्बैंड वाइफ को कहाँ कहाँ बात शेयर करनी चाहिए? देखिए, ये तो हदीस शरीफ भी है कि मियाँ बीवी अपनी कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, यानी जो भी उनकी भी जो भी शर्म और याद की बात है वो किसी के साथ, ये तो हदीस शरीफ ने मना किया हुआ। लेकिन अगर इस तरह हमारी मामूली मामूली बातें भी जो है हमारी औरतें जा करके अपनी माँ को बता देती हैं, लड़कियाँ खामन की लड़ाई झगड़ा या सास का या नंद का, तो उससे फिर क्या होता है, फिर उधर से लड़की की माँ भी गुस्से में आ जाती है, वालदैन फिर गुस्से में आ जाते हैं, फिर उनके दरम्यान और चाकियाँ बढ़ती हैं। तो हम यही कहेंगे कि अच्छा बेहतर तरीका यही है
कि हस्बैंड एंड वाइफ की कितनी लड़ाई हो जाए वो उन दोनों के दरमियान रहनी चाहिए, उसमें तीसरे बंदे को जब भी पता चलेगा तो फिर खानदानों के अंदर जो है जुदाई आएगी, नफरतें फैलेंगी और फिर वो खफा तंग हो गया, वो लड़की अपनी माँ के घर चली गई और फिर वो लड़के वाले ला नहीं रहे, फिर उससे फिर जो है खानदानों में जुदाइयाँ आती हैं। तो बात शेयर करने का मतलब यही है कि आप अच्छी बात शेयर करें, खामन ने कोई तोहफा दे दिया, बीवी ने कोई अच्छा खाना बना करके दे दिया, प्यार मोहब्बत की बात शेयर करें, लड़ाई झगड़ा या छोटा छोटा जो आर्गूमेंट है, छोटे छोटे बात से जो तनाव बढ़ता है उन चीज़ों को वहीं पर दफना देना चाहिए, कमरे के अंदर ही, कमरे से बाहर मियाँ बीवी की बात जब भी बाहर जाएगी तो फिर जो है फिर नफरतों का ज़्यादा फैलाव होगा और मोहब्बत का कम काम होगा। ओके जी नाज़रीन, वो प्रोग्राम इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। तो अगले प्रोग्राम के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी वीडियो करें। तो अब हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।